रामनगरी अयोध्या में एक परिवार ने कोतवाली रुदौली के एसआई रवीश कुमार यादव एवं सिपाही पंकज यादव से अपने परिवार को जानमाल का खतरा होने का आरोप लगाया है। पीड़ित ने जिलाधिकारी एसएसपी से अपने एवं अपने परिवार की हिफाजत करने की गुहार लगाई। मेरी माताजी ने मुझे फोन किया तो मैं जब घर पहुंचा तो मेरे दरवाजे पर एसआई रवीश यादव और सिपाही पंकज यादव गाली दे रहे थे। और जब मैं घर पहुंचा, मैंने पूछा कि भैया क्यों गाली दे रहे हो, तो मुझे भी गाली गुप्ता देने लगे, कहे कि तुम्हारे भाई ने टक्कर मार दिया मेरे गाड़ी में, जबकि ऐसा कुछ नहीं हुआ था। और उसके बाद में यही बेर बेर कहते रहे कि तुम्हें अभी पता नहीं पुलिस वाले से लड़ाई करने वो पंगा लेने से क्या होता है, तुमको तो मैं फर्जी मुकदमे में जेल भेज कर तुम्हारा करियर बर्बाद कर दूंगा। पीड़ित ने बताया कि मेरी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, जिनको इलाज के लिए हॉस्पिटल लेकर गए। उसी दौरान वापसी में घर लौटते समय एसआई रवीश कुमार यादव एवं सिपाही पंकज यादव की बाइक रोड पर ही खड़ी होने के कारण रास्ता रुका हुआ था, जिसको हटाने के लिए कहने पर नाराज होकर गुस्से में सिपाही पंकज यादव को साथ लेकर आए और घर के सामने आकर गालियां देने लगे, जिसका विरोध करने पर रवीश यादव एवं सिपाही पंकज यादव ने उनके साथ मारपीट की। इतना ही नहीं, सिपाही रवीश कुमार यादव पर फर्जी मुकदमे में फंसाकर पूरे घर को जेल भेजने की भी धमकी दी है और सबका करियर बर्बाद करने की धमकी देने का आरोप लगाया गया है।